मधुशक्कर खा चीटी नन्नी वेल बड़ी पी खारा जल। तुमको मैं कैसे बतलाऊं कि जड़ में ही खिले कमल। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को सरस्वती वंदना सुनाऊंगा। आज मैं एकदम भक्ति भाव से भरा हुआ हूं और मैंने तो नवरात्र में अच्छे से सरस्वती वंदना नहीं कर पाया था मैं। आप लोगों ने तो सरस्वती वंदना की होगी, तो मैं आप लोगों के सामने आज सरस्वती वंदना एक सुनाना चाहूँगा जो मेरे छोटे नाना ने लिखी थी। तो सुनाता हूँ। मेरे अंधे हृदय को नयन ज्योति दे, ज्ञान दे शक्ति दे, ऐसी माँ सार दे। सच्चे मन से करूं भारती का भला, भीष्म की दृढ़ प्रतिज्ञा बनूं जल सकूं। सूर्य ससिया अटल ध्रुव बनूं ना बनूं, दीप साही जलूं किंतु जलता रहूं। लेखनी साधना शक्ति आराधना, भाव भर दे हृदय हार दे सार दे। और अब अगली भक्ति में प्रस्तुति आपके लिए है कृष्ण भगवान की वंदना, जो इस प्रकार है। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशयंतम। वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्व अमृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। और अगली प्रस्तुति भगवद गीता के एक श्लोक से संपर्क साधती हुई दिखती है, जो इस प्रकार है कि भगवान कहानी की इच्छा लेकर धरती पर आए हैं। इंसान अभी तक बन न सके, शैतानी रंग चढ़ाए हैं। हम जाति धर्म नफरत के पुतले, प्रेम जगत में सार नहीं। इंसान कहाने का हक कब, जब इंसानों से प्यार नहीं। और अंत में मैं आप लोगों को, जो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को छोटा समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, वो कमज़ोर नहीं है, मैं उनको बताते हुए इतना कहना चाहूँगा। मधुशक्कर खा चीटी नन्नी वेल बड़ी पी खारा जल। तुमको मैं कैसे बतलाऊँ कि जड़ में ही खिले कमल। और अंत में मैं इस पृथ्वी रूपी माँ रूपी पृथ्वी को प्रणाम करते हुए एक कविता सुनाऊंगा पृथ्वी पर। हे पृथ्वी, मैं तेरा लघु विनिर्मित रूप, तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुझ में रहना चाहता हूँ। हम मनुष्यों ने कर दी तुम्हारी प्रकृति की ऐसी की तैसी, हम सुधरना चाहते हैं। जो भूल की थी सूल से बनने लगे थे, अब वही हम फूल बनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप अपने परिचित लोगों को भी सुनाना चाहते हैं तो इसे शेयर करिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।